गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, रामचंद पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। हम विजयन विक्टर यहाँ के ट्रेनर हैं। इससे पहले हमने कई वीडियोस दिखाए आपको, जिसमें हीमोग्लोबिन करना सिखाया, हिमाटोलॉजी संबंधित टेस्ट सिखाए। उसके बाद हम लोग का क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर आता है, इसके अंतर्गत हम लोग सिखाने वाले हैं। आज हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी के केमिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होते हैं? जिसमें हम लोग बॉडी फ्लूड्स का स्टडी करते हैं, हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूड्स होते हैं, स्पूटम, स्टूल, यूरिन, सलाइवा, ये सब चीज़ों का। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन बाथरूम, इसमें क्या होगा, यूरिन में हम लोग क्या देखना चाहते हैं, यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन में यूरिन प्रोटीन टेस्ट। यूरिन प्रोटीन टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन कब आता है? प्रोटीन तो भाई सब में नेचुरली बातें होना चाहिए, लेकिन यूरिन प्रोटीन कब ज़्यादा सिक्रेट होता है? जब हमारा किडनी फिल्ट्रेशन करना बंद कर देता है या कुछ ज़्यादा किडनी डैमेज होने लगती है, तो इस कंडीशन में किडनी काम करना बंद हो जाती है और प्रोटीन आना लगता है। या कभी 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 प्रोटीन और कंडीशन ऐसी होती है, कोई फीवर है, रूमेटिक फीवर है, कोई ऐसा बीमारी है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उस वजह से भी इसमें आ सकता है प्रोटीन, ठीक है। और ख़ासकर UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अंतर्गत भी यूरिन में प्रोटीन आता है। तो आज हम लोग वही डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं यूरिन में प्रोटीन एग्जामिनेशन। यूरिन में प्रोटीन करते कैसे हैं, उसको करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एक मेथड है, हीट एंड एस्टिक एसिड मेथड। इसमें क्या करते हैं, 3% एस्टिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं और प्रोटीन को टेस्ट करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग बात करते हैं पहले प्रोटीन का प्रिंसिपल, प्रोटीन का प्रिंसिपल क्या है, प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, थक्का जम जाता है और सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे आप अंडा उबाल करके देख लीजिए, वाइट हो जाता है, थक्का बन जाता है ना। तो इसी तरह हम लोग आगे समय न लेते हुए बताते हैं कैसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम 3% ग्लेशियल एस्टिक एसिड बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये कंसनट्रेटेड एस्टिक एसिड है, 100% प्योर एस्टिक एसिड है, ठीक है। इसको हम 3% बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 ml अगर हम इसको ले लेते हैं एस्टिक एसिड और 97 ml डिस्टिल वाटर ले लेते हैं तो 3% एस्टिक एसिड बन जाएगा। तो इसको 3 ml एस्टिक एसिड ले लेते हैं। ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर में पहले 3 ml एस्टिक एसिड सॉल्यूशन हम लोग नाप लेते हैं। इसमें जीरो सिलेंडर में 3 ml एस्टिक एसिड लिए और डिस्टिल वाटर से इसको क्वांटिटी 100 ml तक बनाएंगे। ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया, 3% ग्लेशियल एस्टिक एसिड, 3 ml एस्टिक एसिड लिए थे, 97 ml डिस्टिल वाटर मिला दिया तो 100 ml का ये हमारा 3% ग्लेशियल एस्टिक एसिड बन गया। हम क्या करेंगे, यूरिन प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए होगा। टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 2/3 भाग जो है यूरिन का भरेंगे, मतलब जैसे हमारी 5 ml टेस्ट ट्यूब है तो इसमें मतलब इसके 2/3 भाग भरेंगे। तो इसको हम मेजरिंग सिलेंडर से भर सकते हैं, टिप से भर सकते हैं।
इसमें हमने 5 ml यूरिन ले लिया। इसके बाद ये हमारा स्प्रिट लैंप है। स्प्रिट लैंप को जला दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे यूरिन जो है, यूरिन का अपर पोर्शन जो है 1/3, इसको गर्म करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का यूरिन गर्म करेंगे, नीचे का नहीं गर्म करेंगे। जैसे अभी हमने आपको प्रिंसिपल बताया था कि यूरिन की जब प्रोटीन गर्म होने पे वाइट क्लाउड प्रेसिपिटेट देता है, अगर हम गर्म करेंगे इस पार्ट को, अगर यहाँ पे सफ़ेद बादल नुमा संरचना वाइट क्लाउड प्रेसिपिटेट दिखता है, तो मतलब है कि इसमें कुछ शो हो रहा है, प्रोटीन जैसी चीज़ है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग एस्टिक एसिड डालेंगे। ठीक है, तो हम गर्म करके देखते हैं पहले। गर्म करने में कोई ऐसे चेंजेस आ नहीं रहे हैं। ठीक है, गर्म करने में कोई ऐसे चेंजेस आ नहीं रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन नहीं है, ऐसे कोई प्रोटीन की चीज इसमें नहीं दिख रही है। अगर प्रोटीन होता हमारे सैंपल में, यूरिन में, तो किस तरह दिखता, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं हम लोग। प्रोटीन होता तो किस तरह दिखता, तो क्या करते हैं, ये हमारा अंडा है, एग, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, एक का व्हाइट पार्ट, अंडे की सफेदी डाल देते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग गर्म करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिख रहा है, सफेद कलर की बादल नुमा संरचना दिख रही है, जो कि इशारा कर रही है कि इसमें प्रोटीन जैसी कुछ चीज है। क्योंकि यूरिन में प्रोटीन, फास्फेट, कार्बोनेट कुछ भी चीज़ें, कई भी चीज़ें हो सकती हैं, तो जरूरी नहीं कि इसमें प्रोटीन में फास्फेट या कार्बोनेट ही हो। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3% ग्लेशियल स्टिक जो बनाए हैं उसको डालेंगे, 1 से 2 ड्रॉप डाल देंगे। अभी जो हमने ग्लेशियल स्टिक एसिड बनाया है, इसमें क्या करेंगे, 1 से 2 ड्रॉप ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। डाल देने के बाद अगर ये व्हाइट कलर डिसअपीयर हो जाता, गायब हो जाता, तो इसका मतलब ये प्रोटीन नहीं है। ठीक है, इसमें एस्टिक एसिड डाल दिया गया इस तरह, और एस्टिक एसिड डाल देने के बाद अगर पता चलता कि इसमें व्हाइट कलर गायब हो गया, तो ये इंडिकेट करता कि ये प्रोटीन नहीं है, और व्हाइट कलर अभी भी गायब नहीं हुआ है, इसका मतलब ये प्रोटीन को शो कर रहा है कि प्रोटीन है हमारा। ठीक है, अगर प्रोटीन ना होता, फॉस्फेट या कार्बोनेट होता, तो कैसे शो होता, तो उसके लिए हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। क्योंकि फॉस्फेट या कार्बोनेट क्या होते हैं, अगर इसे हम लोग बात करें कहाँ मिलेंगे, फॉस्फेट या कार्बोनेट क्या होते हैं, हम लोग जो खाने वाला चूना होता है वो कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये खाने वाला चूना है, इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद इसमें यूरिन डाल देते हैं। इस यूरिन में खाने वाला चूना मिला दिया गया है, जैसे हमने बताया कि फास्फेट या कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट खाने वाले चूने में होता है, तो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने इस यूरिन में मिला दिया, और इसके बाद क्या करेंगे, इस यूरिन को गर्म करेंगे। जैसे अभी हमने प्रोटीन टेस्ट के लिए गर्म किया था, उसी तरह इसको भी गर्म करेंगे। ठीक है, इसको गर्म करते हैं।
जैसे कि हमने बताया था यूरिन में प्रोटीन सिर्फ वाइट होना, वाइट होने से प्रोटीन की पुष्टि नहीं होती, इसमें हो सकता है या फास्फेट या कार्बोनेट भी हो। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे हल्का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट अभी भी दिख रहा है, ठीक है। अब हमने बताया था कि हम लोग ग्लेशियल एस्टिक एसिड डालते हैं, ग्लेशियल एस्टिक एसिड डालने से क्या होगा, अगर फास्फेट या कार्बोनेट होगा तो डिजॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अगर प्रोटीन रहेगा तो गायब नहीं होगा। जैसे कि हमने ये सैंपल में दिखाया था आपको, इसमें प्रोटीन डाल के दिखाया था, तो ये इसमें प्रोटीन गायब नहीं हुई, मतलब ये प्रोटीन थी। और इसमें हमने चूना मिलाया हुआ है जो कि जानते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एस्टिक एसिड डालेंगे, अगर ये वाइट क्लाउड प्रेसिपिटेट गायब हो गया, मतलब ये है कि इसमें फास्फेट या कार्बोनेट है। अब देख रहे होंगे धीरे धीरे यूरिन क्लियर होता गया, देखिए यहाँ पे आपका पूरा यूरिन क्लियर हो गया जहाँ हमने गर्म किया था, और जो जितना फास्फेट या कार्बोनेट थे नीचे डिपॉजिट हो गया, बैठ गया, ठीक है। इट मीन्स इससे पुष्टि होती है कि यूरिन में अगर फास्फेट या कार्बोनेट होगा तो एस्टिक एसिड डालने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा। और प्रोटीन होगा तो प्रोटीन इस तरह से दिखेगा, जैसे हमने पहले वाले अंडा वाले चैप्टर में दिखाया कि अंडे से हमने करके दिखाया, इसमें व्हाइट क्लाउड दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। डेट्स ऑल।